नमस्कार, जी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश में विपक्ष की भूमिका हमेशा से विरोध की रही है। विपक्ष द्वारा सरकार को जमीनी मुद्दों पर घेरने का सिलसिला लगातार चलता रहता है, पर जब विपक्ष ही सरकार की तारीफ करने लगे तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी सरकार की नीति और काम दोनों बेहतर स्तर पर हैं। चर्चा अभी हाल ही की है, जब गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का बुरा हाल होता। तो वहीं सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने योगी राज की तरफ इशारा करते हुए सड़क और बिजली व्यवस्था पर उनके काम को बेहतर बताया। इस बात पर अब बवाल जारी है। तो वहीं इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है और विपक्ष भी तैयार हो चुका है। लगातार यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, पर रणनीति भी जो तमाम ऐसी बातें भी हैं जो गौर करने वाली हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यहाँ पर योगी सरकार के कामों की तारीफ की है, चाहे बिजली व्यवस्था की बात करो या सड़क व्यवस्था की बात करो। पर यहाँ पर तारीफ का उद्देश्य क्या है, वजह क्या है, आधार क्या है, ये भी जानना जरूरी है। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल अग्रवाल जी, जानेंगे क्या मानते इसके पीछे वजह है, क्योंकि आप यहाँ पर विपक्ष अगर तारीफ कर रहा है तो कोई ना कोई बात है। जी देखिए, बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन एक मायने में अच्छा भी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस में काम कर रहे हैं, अपराधियों में कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है, चाहे सड़कों का निर्माण होना हो चाहे किसी बदमाश पर कार्रवाई करनी हो, उसकी दिशा तय करनी होती है कि सड़क की ओर चलना है या गुंडा की ओर चलना है। ऐसे में कांग्रेस के कोई सांसद या विपक्ष का कोई नेता अगर आदरणीय मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता है तो मुझको लगता लाजमी है, और उसके अलावा कोई बिंदु बचता भी नहीं है करने के लिए। सड़कों की वशी आएगा तो तरफी होगी, बिजली का भी इतनी भयंकर गर्मी, अभी थोड़ा बारिश हुई, इतनी भयंकर गर्मी हमारे पड़ी है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँचा, तब भी 24 घंटे गाँव तक बिजली पहुँची, शहर तक बिजली पहुँची, तो निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। और तीसरी बात यह है, उनका खौफ भी है, ये भी अपना महत्वपूर्ण है। सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री के सामने कोई विषय पहुंचेगा और वो किसी भी रूप में अगर समाज की विपरीत दिशा में किसी कार्रवाई है, गुंडागर्दी है, किसी का दमन है, कोई अतिक्रमण है, किसी का शोषण है, तो मुख्यमंत्री का डंडा और उनका तीसरा नेत्र, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो मुझको लगता है वो भी अपना काम साथ साथ कर रहा है। कोई हो, सबको ये संदेश है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई चीज गलत दिखती है तो कार्रवाई करते हैं। एक सवाल हो रहा है कि यहाँ पर सरकार बन चुकी है और नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, कितना लगता है राहुल गांधी बने हैं, कितना अपनी भूमिका से निर्वाह करेंगे, 10 साल के बाद यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, कितनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, क्या लगता है? अब देखिए, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, विपक्ष को संदेश भी दिया है, आह्वान भी किया, अपेक्षा भी की है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका निर्वहन करें। लेकिन मुझको लगता है श्री राहुल गांधी जैसी उनकी भाषा शैली है, जिस प्रकार से बेहूदी टिप्पणियाँ करते हैं, जिस प्रकार से श्री प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के बिना सम्मान किए और टिप्पणियाँ पीछे के इतिहास में करते रहे, तो मुझको लगता है अपनी वाणी पर उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन आने वाला समय बताएगा। बड़ा विपक्ष है तो विपक्ष के नेता का पद बड़ा होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो कितना निर्वहन कर पाएंगे, कितना अपने आप को संयमित रख पाएंगे, कितनी जुबान पर, वाणी पर उनका नियंत्रण रहेगा, ये बड़ी बात होती है। आसान बात है, टीका टिप्पणी करना, विरोध करना लोकतंत्र की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना, सहज रहना, सही मुद्दों को उठाना, सही मुद्दे पर बहस करना, देश के हितों को सर्वोच्च रखना, ये बड़ी बात होती है। इस समय और रहेगा कि लगातार ये कहा जा रहा है कि MSME सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही है, और कल भी एक कार्यक्रम हुआ था उसके माध्यम से यहाँ पर बात कही जा रही है, कौशल विकास की क्या भूमिका रहने वाली, क्योंकि आप लगातार रणनीति बनाते रहते हैं और तमाम बेहतर रिजल्ट आपने ला के दिए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अभी कल कार्यक्रम हुआ MSME का, उसमें भी उद्योगपति से आह्वान किया, उद्यमों से आह्वान किया कि युवाओं को अपने सेक्टर के अंदर रोजगार देने का काम करें। इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप जैसी इंडस्ट्री की डिमांड होती है वैसे भी लोगों को तैयार करते हैं। डिफेंस स्किल सेंटरों में, ITI में,
हम युवाओं को जैसी इंडस्ट्री रिपोर्ट भेजी वैसे हमारा प्रयास रहता है उनको स्किल भी करें या ITI ट्रेनिंग करें। तो मुझको लगता है हमारा विभाग शानदार तरीके से काम कर रहा है, उद्यमियों के साथ जुड़ करके अन्य विभागों के साथ तालमेल बना करके हम एक शानदार काम कर पा रहे हैं। अभी भी हमारे डिपार्टमेंट ने लगभग 5 लाख युवाओं का टारगेट विभिन्न सेक्टरों में देने का काम किया है ताकि युवक प्रशिक्षित हों और प्रशिक्षित होकर रोजगार के साथ जुड़ने का काम करें। आखिरी सवाल लगे, कौशल विकास केंद्र जो बने हुए हैं उनको और विकसित करने के लिए क्या कोई ऐसी योजना लेके आ रहा है, क्योंकि चर्चा लगातार हो रही थी कि आपके द्वारा कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही है? बहुत सारी रणनीतियाँ हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से हम टारगेट देंगे और लगभग 5 लाख बच्चों को इस वर्ष अभी हमारा टारगेट देना शुरू नहीं किया है, बहुत जल्दी करने वाले हैं और वो टारगेट हमारा लगभग 5 लाख युवाओं का होगा कि पढ़ाई के साथ साथ उनको हम स्किल कर सकें, ये हमारा टारगेट है। हमसे बात करके धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ थे कौशल विकास मंत्री कपिल देव वर्मा। उनका कहना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, वहीं पर तारीफ की बात उन्होंने कहा कि जो काम करते हैं तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी और अच्छी बात है यहाँ पर तारीफ हो रही है। आने वाले समय में कौशल विकास को लेकर भी तमाम रणनीति बनाई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को रोजगार परक शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार इनकी नीति से कौशल विकास लगातार यहाँ पर काम भी कर रहा है और बेहतर परिणाम भी सामने आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो व्यवस्थाओं पर भी पूरा अंकुश है, व्यवस्थाओं के साथ रणनीति के साथ यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं और जो परिणाम है वो बताते हैं कि यहाँ पर काम करने की जो नीति है, कार्यशैली है, जो नियत है वो बहुत बेहतर है। केवल दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीरीज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।